पुष्कर के वरिष्ठ पत्रकार नातु शर्मा का निधन हो जाने के बाद मरुधर केसरी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया, जहां अजमेर नवज्योति के प्रधान संपादक दीनबंधु चौधरी, पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत, भंवर सिंह पलड़ा, पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री नसीम अख्तर, साथ ही नगर के पत्रकारगण, पुष्कर प्रेस क्लब, अजमेर के पत्रकार, नेता, अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता ने अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्कर के प्रसिद्ध पंडित कमल नयन दादिच ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धांजलि सभा शुरू की। इस श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने वरिष्ठ पत्रकार नातु शर्मा के जीवन के बारे में प्रकाश डाला और उनको निर्विवाद पत्रकार बताया। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, पार्षद ताराचंद गहलोत, पत्रकार दिनेश पाराशर, अनिल सर, पाराशर समाज की ओर से अरुण बाबूजी, तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट की ओर से गोविंद पाराशर, रामलीला समिति की ओर से केजी महार साहब, प्रसिद्ध शिक्षाविद ठाकुर प्रसाद पाराशर, पूर्व पालिका अध्यक्ष जनार्दन शर्मा, पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत, भंवर सिंह पलाड़ा, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर सहित कई लोगों ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। दिनेश पाराशर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज। श्रद्धांजलि सभा के पश्चात नातू शर्मा जी के बड़े पुत्र संदीप पाराशर, जितेंद्र पाराशर, नितिन पाराशर, योगेश पाराशर ने सभी को साधुवाद ज्ञापित किया। दिनेश पाराशर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज। ठाकुर प्रसाद जी से आज्ञा लेता हूं कि आपके आशीर्वाद से जो भी हम बोलने वाले हैं श्रद्धांजलि भाव में हम बोले, उसके पश्चात आपका आशीर्वाद हम सबको विशेष रूप में प्रदान हो, आपसे आज्ञा लेकर के। और शब्दाशब्द हमसे किसी से भी त्रुटि हो जाए तो आप उस त्रुटि की पूर्ति कर देना। अंत में आपका विशेष आशीर्वाद हमें प्रदान करना। सर्वप्रथम हम निवेदन करेंगे, जो भी महानुभावों का हमने नाम लिखा है बोलेंगे, केवल दो मिनट में, दो शब्द में ही अनेक शब्द समाहित हो, इतना ही समय आपको दिया जाएगा। उस समय में आप अपने भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करिएगा। सर्वप्रथम हमारे श्री ताराचंद जी गहलोत साहब आप यहाँ पधारे और केवल दो मिनट के अंदर अंदर आपको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। अधिक समय न लेते हुए इस कार्य को प्रगति करें। श्री राधे। ताराचंद जी गहलोत साहब, हेलो हेलो हेलो। श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं समस्त भाइयों, माताओं, बहनों और साथियों, अत्यंत ही दुख का विषय है कि नाथुराम जी शर्मा आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज हम उनकी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने से देते हैं। स्वर्णकार मंदिर हमारा थला मोहल्ला जहां हम साथ रहते थे, मैं कह सकता हूं इन्होंने बचपन से संघर्ष किया। एक अकेला भाई और सभी बड़ी बहनें, सामान्य परिवार, और उसमें अकेले व्यक्ति ने संघर्ष करके सबको संबल दिया और सबके लिए आधी रात को तैयार रहने वाले निर्भीकता और निष्पक्षता, उनको हरेक समझता था कि मैं उनके साथ ही हूं। किसी भी व्यक्ति के साथ वे ये नहीं दिखाते थे कि मैं किसके साथ हूं, सबके साथ है।
हरदीप जी, उसके अलावा उन्होंने से 8-7 साल बड़ा रहा। मैंने तो इनके नंबर मैंने दे रखे थे कि भी कोई विशिष्ट व्यक्ति हो तो ये व्यक्ति भोपाल में कभी स्वयं चल कर के आकर मुझे बुला कर देखकर आपका फोन आया है। ऐसे दिवंगत आत्मा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे आंखों में प्रार्थना करूंगा कि परम सम्मानीय नाथुराम जी भाई साहब को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। मैं नाथू जी भाई साहब के बारे में बस यही कहूंगा कि पिछले 3-4 धामों में से एक द्वारकापुर के संत ने अपना वीडियो भेज के आपको श्रद्धांजलि दी। आपका व्यक्तित्व के बारे में एक वीडियो और मैंने 2 दिनों में देखा था, जिसमें कहा जा रहा था कि पूज्य नाथुराम जी व्यक्तित्व नहीं एक संस्था थे। निश्चित ही आज मेरे जैसे जो लड़के हैं पुष्कर में उसी संस्था से ट्रेंड हुए हैं बोलने में लिखने में। और मैं जैसा कि सभी वक्ता बता रहे हैं, इनका जो व्यवहार और समाज के विभिन्न वर्गों में जो उनका योगदान है, पत्रकारिता के साथ साथ राजनीति के जो लोग थे, चाहे पार्टी बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, सबको साथ लेकर सब पॉजिटिव काम के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो हम उनके मार्गदर्शन से आगे चलेंगे। और बाकी चीजें तो सब लोगों ने बता दी, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में निष्पक्ष और सकारात्मक पत्रकारिता कैसी हो, ये हमको इनसे सीखना चाहिए, देखने को मिली। और स्वर्गीय नाथू जी एक सच्चे अच्छे और सकारात्मक पत्रकार होने के नाते के साथ साथ चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज मुझे बहुत दुख है कि मेरे कम से कम 25-30 साल के मित्र थे नाथू जी, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा, मैं बाहर था, कि नाथू जी आज हमारे बीच में नहीं रहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी इस प्रकार से इतने जल्दी चले जाएंगे। उनका सदा मेरे प्रति बहुत प्यार रहा, हंसता हुआ चेहरा रहता था। जब भी हम जाते तो मुझे मुस्कान जरूर आती थी चेहरे पे। दुकान पे जब मिलने के लिए जाते तो हरदम मुस्कुराते रहते थे। और शुरू से मैं राजनीति किया, मैंने प्रवेश किया 20 साल पहले, मैं यहाँ से चुनाव लड़ा, मेरे का पूरा उनका बड़े भाई के रूप में मुझे पूरा सहयोग और आशीर्वाद रहा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, इससे बड़ा हमारे लिए वो मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा दुख का दिन है आज, कि एक हमारे मित्र होते हुए आज हमारे बीच में नहीं है। भगवान उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे और भगवान शिवजी भगवान और सभी भगवान से मैं यही कहूँगा कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति शांति। सभी मेरे लिए वो बड़े भाई की तरह थे। और मंदिर का कोई भी कार्यक्रम होता और मैं कभी भूल भी जाता तो वो मुझे कहते आपको ध्यान है कि नहीं है, कल से रमावेकुंड मंदिर में ब्रह्मोत्सव प्रारंभ है। मतलब उनको इतना याद रहता था और मुझे याद दिलाते थे। बहुत ही स्नेह था, मैं उनको बारम्बार स्नेह नमस्ते प्रणाम। उनसे मिलती तो सीख के ही उठती थी और ऐसे सीखने को मिलता था। और कोई बड़ी जानकारी या कोई पुरानी जानकारी भी उनसे पूछनी होती थी तब मैं उनके पास जाकर उनसे मिलती। और अभी जब बीमार थे तब भी मैं उनके पास गई थी और हमें लग नहीं रहा था कि हमें इतने जल्दी छोड़कर हम सबके बीच में चले जाएंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और स्वर्ग में स्थान दे, आला मकाम उनको देव भगवान। एक बार पुणे बड़े भाई स्वर्गीय नाथू शर्मा साहब के शिव चरणों में नमन प्रणाम। आदर को मुख कमल पर धारण किए हुए हैं, बाल रूप में जो वट वृक्ष के पत्ते पर शयन कर रहे हैं, आयोजन किया करते थे और रामलीला की कृपा राजू की कृपा है, इनको सेवा दी भगवान राम के मंदिर की मिली है। इनके मकान के पास में ही राम मंदिर है। तो परिवार से निवेदन और आगे हमारे को भी अपने आप
आज जो कुछ है उन्हीं की बदौलत है, यानी कि प्रेस क्लब पूरा आज इनके जाने से अनाथ हो चुका है। हमारे इतने से भीष्म पितामह थे, सबको साथ में लेके चलते थे, और मैं जितना हमारे बड़े भाई से नहीं डरता था, उनसे ज्यादा इन्हीं से डरता था। कोई भी अगर मेरे गांव में शिकायत होती तो लोग इन्हीं को कहते थे कि अनिल सर को समझाओ, लेकिन बहुत आशीर्वाद था। इनकी कमी मुझे हमेशा खिलती रहेगी। और इनकी अध्यक्ष अनिल शर्मा, कुमेजी राजगुरु, महासचिव दीपम जी संयोजक, दीपम जी शर्मा संयोजक, अनिल जी शर्मा अध्यक्ष, कुमेजी आदि, इनकी तरफ से पुस्तक प्रेस कर, संपूर्ण पुस्तक प्रेस कर तरफ से शोक संदेश है साहब, साधुवाद। साथ ही अखिल भारतीय भारत ब्राह्मण महासभा की तरफ से शोक संदेश है। अरुण बाबू जी, अरुण बाबू बारासर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय बारासर ब्राह्मण महासभा की तरफ से शोक संदेश है और साधुवाद। दो मिनट का समय लेते हुए, अधिक विलंब न करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसा कि सभी को विदित है, आज हमारे पत्रकारिता के बहुत बड़े स्तंभ और पुष्कर के प्रणेता, हर तरह की राय, हर तरह का मशविरा देने वाले श्री नाथूजी भाई साहब आज हमें, वैसे तो कमल जी ने बताया है कि रोना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी हम उनका स्मरण याद करते हैं, उनकी बातें याद करते हैं, तो बार बार उनके लिए शरीर बिल्कुल कांप जाता है। अभी जैसे मेरे प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल जी और हम खड़े थे, तो एकदम ही ऐसे झलक हमें लगी कि भाई साहब भी आ गए। कोई व्यक्ति उधर से गुजरे तो थोड़ा सा फेस उनका भाई साहब से मिलता जुलता था, तो हमें लगा नाथू जी भाई साहब आ रहे हैं। बार बार उनकी याद हमारे बीच में आ जाती है। आज पुष्कर में जो पत्रकार इतने सक्षम हुए हैं, आज लेख लिख के धनी हुए हैं, वो सब नाथू जी की वजह से है। आज मैं जो कुछ भी हूं, नाथू जी की वजह से हूं। पत्रकारिता क्षेत्र में मुझे हाथ पकड़कर उन्होंने लिखना सिखाया, चलना सिखाया, और संगीत के क्षेत्र में भी मेरा हमेशा वो सहयोग करते थे, कभी भी पीछे नहीं रखते थे। इसके अलावा जो पत्रकार जो कॉलोनी आज हमारी बसी है, उसकी सारी देन भाई साहब नाथू जी की है। सब पत्रकारों का योगदान रहा, लेकिन उनका योगदान विशेष रूप से रहा, क्योंकि उनके एफर्ट जो थे बहुत कारगर साबित होते थे, और हमेशा उनकी बात कोई भी अधिकारी नहीं टालता था। ये हमें कॉलोनी सावित्री माता के नीचे मिल रही थी, लेकिन भाई साहब के एक निवेदन और आवेदन से कलेक्टर साहब और ईओ साहब ने ये कॉलोनी हमारे को नगर के बीच नए बस स्टेशन के पास में अलॉट हुई। और इसके अलावा भी अगर पुष्कर सरोवर की बात की जाते हैं, तो भाई साहब ने पुष्कर सरोवर के लिए भी काफी कदम उठाए हैं। आज जो नहरें बनी उनको भी जो है भाई साहब ने, मेरे बड़े भाई अरुण जी और अन्य लोगों के साथ में मिलकर, समय समय पे मैं देखता था, दो दो तीन तीन घंटे भाई साहब फोन पर लगे रहते थे, और आज इसको ऐसे कराना, आज इसको ऐसे कराना है, आज इसको ऐसे कराना है। आज जो सरोवर में जो जल आ रहा है, वो सब इन लोगों के प्रयासों से आ रहा है। तो मैं उनको नमन करते हुए ज्यादा समय नहीं लेकर मेरी वाणी को वहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी भाई साहब प्रेस क्लब की तरफ से। आदरणीय समाज सेवी श्री अरुण जी पारासर जी, कृपया पधारे और भाव श्रद्धांजलि अपने भाव से
आज हम सब इस पावन नगरी के वासिंदे, हमारे बड़े भाई, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे सलाहकार, हमारे सब कुछ, हमारे को असमय हमारे बीच से निकल गए। कुछ सोच भी नहीं सकते, आज भी विश्वास नहीं हो रहा है। दिनहाथ हुई भाई साहब चले गए। ऐसा व्यक्तित्व शायद पुष्कर में शताब्दियों में पैदा हो, जिनकी खूबी हर क्षेत्र में थी। मैं भी 58 साल की मेरी उम्र है, मैंने इनको बहुत बचपन से अपना आदर्श माना। जैसे इनकी मुखरता थी, जैसी इनकी सौम्यता थी, जैसा इनका स्वभाव था, जैसे इनके कर्म थे, वो हमारे जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा बने। मैं तो कह सकता हूं भगवान ने, पुष्कर राज महाराज ने, ब्रह्मा जी ने इनको एक पूर्ण पुरुष के रूप में हमारे बीच में भेजा।